यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। यहोवा ने मुझसे यो कहा कि जाकर सनी की एक पेटी मोल ले और कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने यहोवा के वचन के अनुसार एक पेटी मोल लेकर अपनी कमर में बांध ली। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि जो पेटी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है उसे परात के तीर पर ले जा और वहां उसको कड़ाड़े पर की एक दरार में छिपा दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको परात के तीर पर ले जाकर छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा कि फिर परात के पास जा और जिस पेटी को मैंने तुझे वहां छिपाने की आज्ञा दी उसे वहां से ले ले। तब मैं फिर परात के पास गया और खोदकर जिस स्थान में मैंने पेटी को छिपाया था वहां से उसको निकाल लिया और देखो पेटी बिगड़ गई, वह किसी काम की न रही। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि यहोवा यो कहता है कि इस प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व तोड़ दूंगा। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं और अपने मन में हट पर चलते हैं और दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते हैं और उनको दंडवत करते हैं, वे इस पेटी के समान हो गए जो किसी काम की नहीं रही। यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से पेटी मनुष्य की कमर में किसी कसी जाती है उसी प्रकार से मैंने इस्राएल के सारे घराने को और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया है कि वे मेरी प्रजा बने और मेरी नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो। परंतु उन्होंने न माना, इसलिए तू उनसे यह वचन कह कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि दाख मधु के सब कुप्पे दाख मधु से भर दिए जाते हैं। तब वे तुझसे कहेंगे, क्या हम नहीं जानते कि दाख मधु के सब कुप्पे दाख मधु से भर दिए जाते हैं? तब तू उनसे कहना, यहोवा यो कहता है कि देखो मैं इस देश के सब रहने वालों को विशेष करके दाऊद वंश की गद्दी पर विराजमान राजा और याजक और भविष्यवक्ता आदि यरूशलेम के सब निवासियों को अपनी कोप रूपी मदिरा पिलाकर अचेत कर दूंगा। तब मैं उन्हें एक दूसरे पर अर्थात बाप को बेटे पर और बेटे को बाप पर पटक दूंगा। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उन पर कोमलता नहीं दिखाऊंगा और न तरस खाऊंगा और न दया करके उनको नष्ट होने से बचाऊंगा। और देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यो कहा है, अपने परमेश्वर यहोवा की बढ़ाई करो इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पाव घुप अंधियारे में ठोकर खाए। और जब तुम प्रकाश का आसरा देखते रहोगे तब वह उसको मृत्यु की छाया से बदल देगा और उसे घोर अंधकार बना देगा। यदि तुम इसे न सुनो तो मैं निराले स्थानों में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और आंख से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़े हर ली गई है। राजा और राजमाता से कह कि नीचे बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिरों पर जो शोभायमान मुकुट है वह उतार लिए जाएंगे। दक्षिण देश के नगर घेरे गए, कोई उन्हें बचा न सकेगा। यहूदी जाति सब बंदी हो गई, वह तो बिल्कुल बंधुआई में चली गई है। अपनी आंखें उठाकर उनको देख जो उत्तर दिशा से आ रहे हैं, वह सुंदर झुंड कहा है जो तुझे सौंपा गया था, जब वह तेरे उन मित्रों को जिन्हें तूने अपनी हानि करने की शिक्षा दी है तेरे ऊपर प्रधान ठहराएगा। तब तू क्या कहेगी? क्या उस समय तुझे जच्चा की सी पीड़ाएं न होगी? और यदि तू अपने मन में सोचे कि मुझ पर ये बातें किस कारण आ पड़ी है, तो तेरा घाघरा जो उठाया गया है और तेरी एड़िया जो बरियाई से नंगी की गई है, इसका कारण तेरा बड़ा अधर्म है। क्या हपशी अपना चमड़ा व चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके
तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। इस कारण मैं उनको ऐसा तित्तर बित्तर करूंगा जैसा भूसा जंगल के पवन से तित्तर बित्तर किया जाता है। यहोवा की यह वाणी है कि तेरा हिस्सा और मुझसे ठहराया हुआ तेरा भाग यही है, इसलिए कि तूने मुझे भूलकर झूठ पर भरोसा रखा है, इसलिए मैं भी तेरा घाघरा तेरे मुंह तक उठाऊंगा, तब तेरी लाज उतर जाएगी, व्यभिचार और चोचला और छिनालपन आदि तेरे घिनौने काम जो तूने मैदान और टीलों पर किए हैं, वे सब मैंने देखे हैं। हे यरूशलेम, तुझ पर हाय, तू अपने आप को कब तक शुद्ध न करेगी और कितने दिन तक तू बनी रहेगी।